तो दोस्तों, आज भारत के लिए रशिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है और अचानक से रूस भारत को मनाने में लगा हुआ है और रूस का कहना है कि यदि भारत यूक्रेन को छोड़कर हमारे साथ डील करता है तो हमें इसमें बड़ी खुशी होगी। दरअसल आप सभी को बता दूं कि नौसेना के पास जो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर शिप जहाज और फ्रिगेट होते हैं उनके इंजन के लिए भारत समेत पूरी दुनिया यूक्रेन के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि यूक्रेन ही इन फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर के लिए बड़े और शक्तिशाली इंजन का निर्माण करता है। परंतु अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण यूक्रेन के इंजनों की जो सप्लाई है वो बाधित हो चुकी है और इसके कारण से भारत के अंदर भी प्रोजेक्ट 113/56 के तहत जो दो फ्रिगेट बनाए जा रहे थे उसके लिए भी बड़े साइज के शक्तिशाली इंजनों की आवश्यकता है। अब इसी क्षेत्र को लेकर रशिया मैदान में आया है और रूस का भारत से कहना है कि आप यूक्रेन को छोड़कर इन इंजनों के लिए हमारे साथ डील कर लीजिए। और रशिया की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि पहले हम भी इन बड़े और शक्तिशाली इंजनों के लिए यूक्रेन के ऊपर ही निर्भर थे, परंतु फिर हमारी कंपनी सैटर्न की तरफ से बड़े साइज के डिस्ट्रॉयर शिप जहाज और फ्रिगेट के लिए खुद के इंजन डेवलप कर लिए गए हैं और यदि भारत चाहे तो इन इंजनों को हम भारत के प्रोजेक्टों के लिए सप्लाई कर सकते हैं और भारत यदि चाहेगा तो इसकी पूरी एक फैक्ट्री भी भारत के अंदर लगा सकते हैं, जिससे यूक्रेन के ऊपर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी और हम भी भारत के मेक इन इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। और इस प्रकार से रशिया की तरफ से मरीन इंजन को लेकर भारत को ऑफर दिया गया है। पर आप सभी के टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत को रशिया के साथ इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्वाइंट एडवेंचर कर लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में। आप देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।